अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है हमारे इस चैनल में, जिस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारे अलग अलग नुस्खे, उपाय, अमल और कुछ ऐसे तावीज जो आपके मसलों को हल करने में आपकी मदद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे ये जो हल होते हैं ये सब हमें मौलाना जी बताते हैं और उसके बाद हम उनका वीडियो आपके सामने बना रहे हो। तो अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या हो, कोई मसला हो, तो आप इस वीडियो के जरिए अपनी वो समस्या हल कर सकते हैं दोस्तों। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सेहत बेहतरीन होगी, आप बिल्कुल खैरियत से होंगे अपने घरों में। तो आइए मैं आपको आज एक ऐसा नक्श बताती हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपनी खोई हुई मोहब्बत को, अपने बिछड़े हुए प्यार को वापस पा सकते हैं। जी हाँ, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगी जिससे आपका अमल जो है वो पूरा हो जाएगा। जी हाँ, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कागज पर इस तरह के नक्श की तैयारी करनी होगी। उसमें आपको 3 खाने ऊपर की तरफ होंगे और 4 खाने नीचे की तरफ, टोटल इसमें 12 खाने बने हुए हैं। अब इसमें आपको सबसे ऊपर यहाँ पर लिखना है हूब और उसके बाद यहाँ से नक्श बनाना शुरू करना है। तो यहाँ पर 2 आएगा 7 आएगा 9 3 5 11 17 14 22 27 और यहाँ अंत में आपको लिखना होगा 41। इस तरह से आपका ये नक्श बनके तैयार है। इसके बाद दोस्तों आपको एक और चीज करनी है, वो ये करनी है कि इस तरफ आपको लिखना है अपने प्यार का नाम। जी हाँ, आपके प्यार का नाम जो भी हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी हो, आप उनका नाम यहाँ पर लिख दीजिए। और यहाँ पर आपको लिखना है उनके, यानी कि प्यार के माँ का नाम। इस तरह से आपको दोनों तरफ लिख लेना है और यहाँ बिल्कुल नीचे आपको लिखना है अपना नाम। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका नक्श बन के तैयार हो जाएगा और उसके बाद आपको इसे कुछ नहीं करना है। बस आप जब इसे बना रहे होंगे उस समय आपके जहन में आपके प्यार का नाम होना चाहिए, प्यार की तस्वीर होनी चाहिए, यानी कि आप जिसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, आप बिल्कुल सच्चे मन से जब उनके बारे में सोचेंगे, जब उनके बारे में आपको ख्याल आएगा, उस समय आप इस नक्श को बनाइए। इसको बनाने का कोई समय फिक्स नहीं है, कोई दिन फिक्स नहीं है, आप इसे किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आप इस नक्श को बिल्कुल पाक साफ होकर करना चाहिए आपको, और बिल्कुल पाक साफ होकर ही कीजिएगा। वुजू करने के बाद आप इस नक्श को बना सकते हैं। अंत में दोस्तों आपको क्या करना है कि इस नक्श को आपको अपने सामने रखना है और उसके बाद आपको इसे जलाना है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये नक्श बना है यहाँ। और दोस्तों अब जब आपने ये नक्श बना लिया है तो अंत में आपको इसे जलाना होगा। इस तरह से आप इसे जलाएंगे तो ये आप देख सकते हैं आपका नक्श, इस तरह से इसको आपको जला देना है पूरी तरह से। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये नक्श पूरी तरह से जल जाए। अगर ये थोड़ा सा भी बचा हुआ है तो आप इसे दोबारा से जला सकते हैं जिससे कि ये पूरी तरह से राख हो जाए, इसका कोई भी हिस्सा बचना नहीं चाहिए। आपको इसे पूरी तरह से जलाना है, उसके लिए अगर इसमें कुछ भी थोड़ा बहुत बच जाए तो आप इसे दोबारा से माचिस की सहायता से जला सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा नक्श जो हमने बनाया था और उसके बाद हमने इसे इस तरह से जला दिया है। और दोस्तों जब ये जल जाए पूरी तरह से तो आपको क्या करना है, इसकी राख को आपको निकाल लेना है एक कागज के ऊपर और उसके बाद उसे ले जाकर आपको कहीं पर भी किसी पेड़ के नीचे सुनसान जगह पर आपको इसे डाल देना है। आप उसके बाद जब घर वापस आएंगे दोस्तों
तो कुछ ही मिनट के अंदर अंदर आपकी महबूबा का, आपके महबूब का आपके पास कॉल जरूर आएगा और वो आपसे मिलने के लिए तड़प रहे होंगे। तो आप इस नक्श को एक बार करके देखिए दोस्तों, इस अमल को पूरा कीजिए और वो भी सच्चे मन से, बिल्कुल सच्ची मोहब्बत को पाने की कोशिश कीजिए। आप एक और काम कर सकते हैं, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपनी मोहब्बत का नाम लिखकर हमें भेज दीजिए। हम पूरी दुआ करेंगे कि आपका नक्श जो आप बनाएंगे वो बिल्कुल आपका जल्द से जल्द आपका काम हो जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। शब्बा खैर।